सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में, जो कि वर्ल्ड कप 2019 में सबसे पहले 10 मैच अभ्यास मैच खेले जाएंगे यानी कि वार्म अप मैच खेले जाएंगे सभी टीमों के बीच। तो वहीं इसके बाद लीग स्टेज यानी कि ग्रुप स्टेज के मैचेस खेले जाएंगे। तो वहीं वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां अभ्यास मैच यानी कि वार्म अप मैच 24 मई 2019 को ही स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद लीग स्टेज यानी कि ग्रुप स्टेज के मैचेस 30 मई 2019 से स्टार्ट होगा और इसके बाद फाइनल का मुकाबला जो कि वर्ल्ड कप 2019 का 14 जुलाई 2019 को खेला जाएगा, जो कि वर्ल्ड कप का हर एक मैच टीवी चैनल्स और मोबाइल फोन पर दिखाया जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इसके लाइव टेलीकास्ट यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ अभ्यास मैच यानी कि वार्म अप मैच के पूरे कंफर्म शेड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं कि सारे मैचेस कब और कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे और कितने बजे से स्टार्ट होंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के एक जबरदस्त बड़े वाले फैन हैं तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं दोस्तों, इस वीडियो के स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ इसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपए बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 के वार्म अप मैच यानी कि अभ्यास मैच के शेड्यूल के बारे में, तो कुछ इस तरह से अभ्यास मैच का पूरा कन्फर्म शेड्यूल। तो वर्ल्ड कप का पहला वार्म अप मैच जो कि 24 मई 2019 फ्राइडे को खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच ब्रिस्टोल के काउंटी ग्राउंड स्टेडियम में। तो इसके बाद दूसरा वार्म अप मैच जो कि श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा कार्डिफ के सूफिया गार्डन स्टेडियम में। तो वहीं इसके बाद तीसरा वार्म अप मैच जो कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा 25 मई 2019 रेडे को, जो कि एमएच साउथैम्पटन के दरोज बॉल के स्टेडियम में खेला जाएगा। जबकि चौथा अभ्यास मैच यानी कि वार्म अप मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 25 मई 2019 रेडे को ही, जो कि एमएच लंदन के केनिंगटन ओवल के स्टेडियम में खेला जाएगा। जबकि पांचवा अभ्यास मैच यानी कि वार्म अप मैच साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा 26 मई संडे को, जो कि एमएच ब्रिस्टोल के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। जबकि छठा वार्म अप मैच पाकिस्तान वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा 26 मई 2019 संडे को ही, जो कि एमएच कार्डिफ के सूफिया गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इसके बाद सातवां वार्म अप मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेज श्रीलंका के बीच खेला जाएगा 27 मई 2019 मंडे को साउथैम्पटन के दरोज बॉल के स्टेडियम में। तो इसके बाद आठवां वार्म अप मैच जो कि ये भी 27 मई 2019 मंडे को ही खेला जाएगा इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान के बीच लंदन के केनिंगटन ओवल के स्टेडियम में। तो इसके बाद नवा वार्म अप मैच जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्टइंडीज के बीच खेला जाएगा 28 मई 2019 ट्यूजडे को ब्रिस्टोल के काउंटी ग्राउंड स्टेडियम में। तो इसके बाद दसवां वार्म अप मैच जो कि इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा 28 मई 2019 ट्यूजडे को कार्डिफ के सूफिया गार्डन स्टेडियम में, जो कि टोटल 10 अभ्यास मैचेस खेले जाएंगे और ये 10 के 10 मैचेस जो कि शाम को 3 बजे से स्टार्ट होंगे इंडिया टाइम के हिसाब से यानी कि 3 PM से, तो वहीं पाकिस्तान टाइम के हिसाब से 2:30 PM से यानी कि शाम को 2:30 बजे से। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड कप 2019 के सारे ही मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कि लाइव किस तरीके अपने टीवी चैनल्स और मोबाइल फोन पे, तो आप स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स पर लाइव देख सकते हैं वर्ल्ड कप का हर एक मैच अपने टीवी चैनल्स पर। तो वहीं आप हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर भी लाइव देख सकते हैं वर्ल्ड कप का हर एक मैच अपने मोबाइल फोन पे। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है हर एक न्यूज सबसे पहले।